तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी राखी जी की, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी। तो मेरी जो रूममेट हुआ करती थी, तो हम जब सोए होते थे तो हमें अचानक से आवाज़ आती थी कि लाइक ये हो क्या रहा है। आदिल की मैंने कभी आवाज़ नहीं सुनी है, बिकॉज जो भी जितनी भी आवाज़ें आती थी राखी सावंत की आती थी। तो मैंने उनसे बात करी, जब मैं उनको लास्ट डे मिली तो लाइक उनके ना लिटरली नाखून से ऐसे इधर, और लाइक बहुत आइज़ भी उनकी रेड थी। आई थिंक काफ़ी रोए होंगे वो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ। वो इतने सेंसिबल बंदे हैं, इतने सेंसिबल गाय हैं वो, कि लाइक आपने देखा होगा कभी भी वो बात करते हैं ना बहुत स्माइल देके, बहुत प्यार से। वो इंसान कभी किसी को मार सकता है? ये तो सरासर ऐसा हुआ ना कि किसी पे आप जानबूझ के, या तो आपको कॉन्ट्रोवर्सी गर्ल बोला गया है तो आपको कॉन्ट्रोवर्सी बहुत अच्छे से आता है कैसे करना है मीडिया में, या फिर आप मीडिया का बहुत अच्छे से उपयोग करना जानती हैं सच का साथ देने के लिए। और हमारा एक फ़र्ज बनता है जहाँ कोई सच्चा इंसान फंस रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, जब हमें सच का पता हो तो हमें आगे आना चाहिए। और जहाँ तक आदिल खान की बात है, आदिल खान दुरानी जी की बात है, तो वहाँ तक सभी को पता है, सबको पता लग रहा है कौन सही है कौन गलत है, कौन सच है कौन क्या सच नहीं है। और हाय सोनिया जी, सो आप राखी सावंत की नेबर हैं, एंड मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आदिल एंड राखी की अभी जो ये चीज़ें हो रही है सारी, आपने क्लोजली देखा होगा कि किस तरीके से आदिल रहते हैं, कैसे एज अ पर्सन कैसे हैं, या उनके बीच में रिलेशन कैसा था एज एन हस्बैंड वाइफ। पहले स्टार्ट करेंगे रिलेशन से, राखी सावंत और आदिल एज एन हस्बैंड वाइफ कैसे थे? देखिए जहाँ तक कि मैंने आदिल जी को जाना है, आदिल खान दुरानी को जाना है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते थे, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते थे उस सोसाइटी में मैं भी रहती थी। मैं पिछले 7-8 महीने से वहाँ पे सोसाइटी में रह रही थी। तो ऑफ कोर्स आदिल खान दुरानी और राखी सावंत को कौन नहीं जानता है, है ना, उनके रिलेशन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो हुआ यूँ था कि अक्सर मैं डिनर करके जाती थी, नीचे वॉक के लिए जाती थी, जैसे जाना होता था। तो कई बार मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, वो काफ़ी मेरे को परेशान लगते थे। अब तो आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं, आए दिन हम सब कुछ देख रहे हैं, आदिल खान और राखी सावंत का रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बट एक होता है सुनने में और सामने देखने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत चीज़ें, बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो मैंने जब उनके झगड़े सुने हैं, लाइक लिटरली बता रही हूँ, मेरे घर तक रात भर, सोसाइटी में बिल्कुल शोर नहीं होता रात को, मतलब एक चिड़िया भी आवाज़ करती है ना, उसकी भी आवाज़ आती है, बिल्कुल शांत माहौल जब सोते हैं 12-1 बजे 2 बजे, बिल्कुल शांत। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी राखी जी की, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी। तो मेरी जो रूममेट हुआ करती थी, तो हम जब सोए होते थे तो हमें अचानक से आवाज़ आती थी कि लाइक ये हो क्या रहा है। कई बार हम अपनी विंडो से देखते थे कि लाइक नीचे जो गार्ड रहते हैं वो भी, मतलब ऊपर देख के ऐसे बोलते थे कि हाँ उन्हीं के घर से आवाज़ें आ रही है। तो आदिल की मैंने कभी आवाज़ नहीं सुनी है, बिकॉज जो भी जितनी भी आवाज़ें आती थी राखी सावंत की आती थी। तो मैं बिल्कुल यहाँ आज मैं बोलने के लिए आई हूँ, मैं ये नहीं कि मैं, मेरे को कोई कुछ मिलेगा या किसी ने मेरे को बोला है, मैं एज अ फ्रेंड, एज अ गुड ह्यूमन बींग, मैं यहाँ पर आई हूँ सच का साथ देने के लिए। और हमारा एक फ़र्ज बनता है जहाँ कोई सच्चा इंसान फंस रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, जब हमें सच का पता हो तो हमें आगे आना चाहिए। और जहाँ तक मैंने बात करी है कि मेरे रूममेट लोगों को पता था कि मैं, जब वो नीचे आते थे तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है देखने से इंसान को कि इंसान किस टेंशन में है, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो लाइक कई बार उनसे मेरा नीचे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, पर ये उदास रहते थे, परेशान रहते थे। तो मैंने कई बार उनको पूछा कि हुआ क्या है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, एज अ फ्रेंड एज अ बहन बोल लो, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो उनको ऑलरेडी जानती थी, मतलब भले ही वो नहीं जानते थे, मैं तो जानती थी ना। अब राखी सावंत को मैं कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, बट जानते हैं। तो एज अ मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनको लगा कि हाँ शी इज़ नाइस गर्ल, तो मेरे से बात किया उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि लाइक हुआ क्या है, आप क्यों परेशान हो, आपको तो खुश होना चाहिए, आप राखी सावंत के साथ लाइक इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, खुश होना चाहिए। तो उन्होंने कभी बोला नहीं, बोले छोड़ो ना सोनिया, लीव इट, रहने दो अभी, छोड़ो, बताऊँगा कभी, तो कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊँगा। आई सेड ठीक है, अगर आपको अभी नहीं बताना है तो आप कभी भी बता दीजिएगा, एनी टाइम। तो
एक दिन क्या हुआ, ऐसी आवाज़ें आ रही थी, मेरी रूममेट मेरे साथ थी, तो जोर जोर से आवाज़ें आई। मैंने बोला कि आवाज़ आ रही है कहीं से, देखो। बहुत शोर हो रहा था, किस तोड़ फोड़ने की चीज़ें भी, अब सोसाइटी में आवाज़ तो आती है ना बहुत तेज़ रात को, तो ऐसा हमने सुना वहाँ पे। तो उसके बाद अगले दिन ही एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं मेरा उनसे मिलना हुआ वहीं सोसाइटी में, वो काफ़ी परेशान थे। और लास्ट डे मुझे अभी भी याद है, जब उनके घर में लड़ाई हुई और वो लोग अपना मतलब सामान फेंकने की आवाज़ भी आई, सामान वगैरह फेंकने की आवाज़ आई, तो मैंने उनको बोला अगले दिन कि हुआ क्या है। मैंने उनको जाते हुए भी देखा, उनका सामान वामान लगेज वगैरह, मैं उनसे मिली, लाइक आई वाज कि क्या हो रहा है ये। मतलब एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं बोलूँगी कि अगर वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे, मेरे को लगा कि वो अच्छे पर्सन हैं, अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनसे बात करूँ एक बार। तो मैंने उनसे बात करी, जब मैं उनको लास्ट डे मिली तो लाइक उनके ना लिटरली नाखून से ऐसे इधर, और लाइक बहुत आइज भी उनकी रेड थी, आई थिंक काफ़ी रोए होंगे वो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ। वो इतने सेंसिबल बंदे हैं, इतने सेंसिबल गाय हैं वो, कि लाइक आपने देखा होगा कभी भी वो बात करते हैं ना, बहुत स्माइल देके, बहुत प्यार से अपनी बातों को बहुत पोलाइटली रखते हैं। वो इंसान कभी किसी को मार सकता है, कभी किसी को तू भी बोल सकता है, बहुत प्यार से वो लोग बात करते हैं, मतलब आदिल खान दुरानी। तो लाइक ऐसे उनके मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, नाखून के निशान ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, बोलते हैं बस बताऊँगा। तो अगले दिन ये सारी चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी हुई, अचानक से पता चला कि उन्होंने, जब वो राखी सावंत उसमें थी, नहीं पुलिस स्टेशन गई, उससे पहले वो जब वहाँ थी बिग बॉस में थी, बिग बॉस में जब वो थी तो तब भी मेरी उनसे हाय हेलो थी, बात होती थी, बट इतना ज़्यादा नहीं होती थी बात। मैंने बोला ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है। तो फिर अचानक से ये सारी चीज़ें, मैं लिटरली सच बता रही हूँ, मेरे को एज अ फ्रेंड मेरे को उनको हेल्प करना था, कि मैं इस इंसान की, ये सच्चा और अच्छा इंसान है, मैं इसकी हेल्प करूँ, मेरे को मौका मिले कि मैं इनकी हेल्प करूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। अचानक से चीज़ें ऐसे हुई कि लाइक उसके बाद जब वो जेल गए, मैंने न्यूज़ देखी कि अचानक से ये सब क्या हो गया, तो लाइक उनसे हो नहीं पाया मेरा बात। तो जब वो जेल में थे, जेल में भी कहाँ होना था, मैंने कई बार उनको मतलब मैसेज ट्राई किया, कॉल ट्राई किया, मैसेज करा कि हाँ मैं इनके किस कैसे भी हेल्प कर पाऊँ, जो मुझसे हो पाएगा मैं बोल पाऊँ कि हाँ हमने एक्चुअली देखा है ये चीज़ें, हमने देखी है। मैंने और तो लाइक बोलने पे बिलीव करेंगे, बट हमने तो सामने देखी है। आप जाके सोसाइटी में पता करिए, वहाँ पे नाइट को जो गार्ड वगैरह बैठते हैं उनसे पता करिए, लाइक लिटरली वो आपको बताएंगे, वहाँ पे जो नाइट जो रात को गार्ड बैठते हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहता है। लेकिन इसमें राखी सावंत मार ने हाथ उठाया, ये तो आपने बताया कि स्क्रैचेस आपने देखे, लेकिन क्या आदिल भी अब्यूसिव थे राखी के ऊपर, या आदिल की आवाज़ कभी आपने गाली देते हुए सुनी हो, या फिर कभी राखी के बॉडी पर कोई स्क्रैचेस या निशान वगैरह देखे हो? नहीं, राखी के उसके बाद मैंने उनको देखा था, भले वो मेरे को नहीं जानती है, बाई फेस वो मेरे को नहीं जानते, लेकिन हम जिस सोसाइटी में, हम तो जानते हैं, अब सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, वो नहीं जानती होंगी, मे भी शायद किसी को, थोड़ा बहुत लोगों को जानती होंगी। अदरवाइज़ हमने उनको जाते आते, जब भी वो आती जाती थी तो हमने देखा है, बट हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि लाइक उनकी बॉडी पर निशान है, ये है, ये तो सरासर ऐसा हुआ ना कि किसी पर आप जान बूझ के, या तो आपको कॉन्ट्रोवर्सी गर्ल बोला गया है तो आपको कॉन्ट्रोवर्स बहुत अच्छे से आता है कैसे करना है मीडिया में, या फिर आप मीडिया का बहुत अच्छे से उपयोग करना जानती हैं, है ना, कैसे झूठ बोला जा सकता है, कैसे नहीं, कैसे किसी को क्या घुमाया जा सकता है, या तो फिर आपको ये आदत पड़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि राखी सावंत जी को पता होना चाहिए अपनी रियल लाइफ, अपना प्रोफेशनल और सब पता होना चाहिए कि कैसे हैं, और वो आज से नहीं इंडस्ट्री में, काफ़ी सालों से है, तो उनको पता होना चाहिए। और जहाँ तक आदिल खान की बात है, आदिल खान दुरानी जी की बात है, तो वहाँ तक सभी को पता है, सबको पता लग रहा है कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच है, कौन क्या सच नहीं है। और एज अ फ्रेंड मैं बोलूँगी वो बहुत अच्छे हैं, रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। आज आदिल ने आपसे हेल्प मांगी, आप खुद आई हैं? आदिल ने हेल्प नहीं मांगी, मैंने उनको हेल्प करने की पहले भी कोशिश करी थी, जैसे मैंने बताया मेरे को मौका नहीं मिला। आज जब जैसे ही मेरे को पता चला कि लाइक वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आ गए हैं,
मैंने उनकी स्नैपचैट स्टोरी देखी थी. जिस दिन मैंने उनकी स्नैपचैट स्टोरी देखी, लाइक आई वॉज, अरे आदि तो बाहर आ गए. तो मैं खुश हो गई थी उनके लिए काफ़ी कि वो बाहर आ गए हैं. और वो आए, उन्होंने मुझे लास्ट कॉल किया था, मेरा उनसे पहले कांटेक्ट नहीं था, बाद में हमारा इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हमारा आपस में दिया हमने, फिर हमने लाइक बात करी. फिर मैंने बोला आदिल देखो मैं आपके साथ हूँ, मैं एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर बोल लो कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ. जो चीज़ें मेरे को पता है मैं उस चीज़ों को बोलूँगी. मुझे, मैं यहाँ पे राखी सावंत के ख़िलाफ़ बोलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे उनका सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, आदिल जी का सपोर्ट करने नहीं आई हूँ. जो एक्चुअली सच है मैं वो बोलने के लिए आई हूँ. लास्टली राखी सावंत के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाए कि वो सभी को इसी तरीके से फांस के उनके पैसे लूटते उनको? आपने भी देखा ही है, जहाँ तक आज तक हमने जो स्टोरी सुनी है, हम भी इतने बड़े हो गए, हमारे पास भी फ़ोन है, सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं. तो चलो वो चीज़ें तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है. आज जब हमने देखा है ना, तभी हम सामने आए, है ना. लिटरली मैंने उनको रोते हुए देखा है, नीचे बेंच पे बैठे हुए, रात को एक एक दो दो बजे बैठे हुए रोते. कोई ऐसा तो नहीं रोएगा ना, कोई ऐसे तो नहीं रोएगा. एक मर्द नहीं रोता है जब उसको मजबूर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है. कहते हैं ना एक बार जल्दी से बोलता नहीं है. औरतें बोल लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, सर पटक लेती हैं, वो कर लेती हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बोलते हैं मर्द. तो मुझे लगता है उनकी बातों में सच्चाई है और वो एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं. और मुझे लगता है कि हमारे, हमें जिनको सज़ा देनी चाहिए ना, एक्चुअल में जो गुनहगार होते हैं. अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ एक ऐसा केसेस हुआ था कि लाइक मैंने एक लड़के की FIR करी है जुहू पुलिस स्टेशन में. बिकॉज जो मैं इन सब के बारे में अभी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी, मैं पूरी बात बताऊँगी हुआ क्या था एक्चुअली. एंड मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो गुनाह करते हैं ये लोग बच जाते हैं, और जो बेकसूर होते हैं ना उनको ऐसे फंसाया जाता है. मतलब आप कहना चाह रहे हैं आदिल को फंसाया? ऑफकोर्स फंसाया जा रहा है उसके, उनके खिलाफ पूरी साजिश है ये, उनको फंसाया जा. देखो पहली बात तो कि वो गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, इतने टाइम मैंने उनसे बात करी है. उन्होंने कभी भी, मतलब बहुत पोलाइटली बात करते हैं, कभी भी मतलब वो एंग्री नहीं होते हैं, कभी भी नहीं. उनको कितना भी सामने से अगर आप बात करोगे उनसे, आपने अफवाह बात करी है, वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि हाँ एकदम से एंग्री हो गए. बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से अपनी बात रखना, चीज़ों को बताना. तो वो ऐसे सेंसिबल पर्सन हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सोनिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू.